गाइस कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और जस्सी कहाँ गई? जस्सी बढ़िया है, मम्मी अभी उसके कपड़े ठीक कर रही हैं। आज हम लोग आए हैं नेहा दीदी घर पर। हम लोग को शॉपिंग करनी है तो नेहा दीदी को लेके जाएंगे, क्योंकि उन्हीं के लिए शॉपिंग करनी है। उनकी शादी आ रही है ना, इसलिए उनके लिए थोड़ा सा सामान लेना है, इसलिए उन्हें लेके जाएंगे। कहाँ रह गई? हैप्पी मकर संक्रांति। आज मकर संक्रांति, तो आप सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अभी हम लोग चलते हैं उन्हें लेने, थोड़ी देर उनके घर पे बैठेंगे, फिर उन्हें लेंगे, फिर हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे। जब जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। नेहा दीदी, हम लोगों ने रूम में बनाया नहीं, हम बहुत देर के आ चुके हैं। वो अंधेरा अंधेरा हो रहा था ना, इसलिए नहीं बनाया। अब हम लोग जा रहे हैं, चलो इनकी इन्हीं की शादी, इन्हीं की शादी के लिए ले शॉपिंग करने जा रहे हैं। इनकी शादी में आएंगे, बहुत सारे मजे। हम लोग पहुँच चुके हैं दुकान में अंदर। हम लोग दीदी के लिए लेने आए वॉशिंग मशीन। देखते हैं अब कौन सी लेती है दीदी। दीदी को जो पसंद होगी वही लेंगे हम लोग। अब जो हम ऊपर लेके जा रहे हैं दिखाने के। बाल्टी टब में कपड़े सिलते हैं उस हिसाब से गोल्ड टर्म दे रखा है कंपनी, ठीक है। साइड से ब्रश आते हैं। ब्रश का काम क्या होता है, कपड़ा जब भी वॉश होता है तो साइड से चिपक के वॉश होता है, जिससे कपड़ा साफ भी हो जाएगा, उसकी गंदगी निकल जाएगी आराम से, ठीक है। दूसरी बात, हम इसकी आरपीएम करते हैं, क्योंकि हम लोग मशीन तो खरीदने आते हैं लेकिन देखते नहीं आरपीएम क्या होता है, मोटर क्या मतलब कितनी हैवी होती है। इसमें आरपीएम 1400 आता है, और जो सैमसंग में और एलजी की अगर बात करते हैं बड़ी कंपनी की, तो उसमें 1350 आरपीएम रहता है। ये 1400 आरपीएम में काम करता है, ठीक है, यानी कपड़ा जल्दी सूखेगा उसमें। दूसरी बात, इसमें बड़े पीस दे रखे हैं जिससे मशीन को कहीं भी आराम से एडजस्ट कर सकते हैं आप। चार पहिए लगे, दो साइड होगा, चार पहिए लगे हैं इसमें। और जो इसकी वॉश मोटर है वो है 420 वाट की, यानी कि छोटे ब्लैंकेट आराम से इसमें वॉश हो जाएंगे आपके, धुल जाएंगे। कितनी केजी की है? ठीक है, ये 8 किलो की है। और इसमें एक केमिकल पड़ के आता है जिसका नाम है रेड प्रोटेक्शन, जिससे चूहा इसके अंदर नहीं घुस सकता। सबसे बड़ी चूहे की दिक्कत आती है, तार बॉडी को डैमेज कर देता है, वो दिक्कत नहीं आएगी आपको बिल्कुल। और फुल बॉडी ग्रे में गंदा हो तो पता भी नहीं लगेगा। ये तो 8 किलो का साइज है, 7.5 में ये आ जाएगा आपको। अब 7.5 और 8 में इतना बड़ा फर्क नहीं है मेरे हिसाब से। कलर आपको इसमें ये भी मिल जाएगा, इधर भी देख लो। और ये वोल्टास वगैरह कंपनी आ जाएंगे, ये लगी है। अब पता क्या, ये गिलास फिनिशिंग देना और ये सब देना, एक तरीके से देखा जाए तो ये उन लोगों के लिए सही रहता है जो मतलब क्वालिटी को समझने जाते हैं। सिर्फ देखना है डिजाइन अच्छा हो बस, क्योंकि हमें यूज करनी होती है कपड़ों के लिए, ना कि देखने के लिए। जैसे कि आप कंपनी अकाई वगाई है, आप इनको ज्यादा बनेंगे, इन्हें थोड़ा क्वालिटी इसलिए दे दी ताकि लोगों को लगे कि हाँ बढ़िया है। अभी रतन जी की देना है, रतन टाटा की। अभी लोग टफन ग्लास बना रहे हैं। अब इनका जब घाटा हो गया ना, इनने कहा चलो हमने बहुत कुछ दे दिया, मतलब दे दिया, पैसा लगा दिया, अब ये इस पे आ गए, अब ये निकाल दिया, ये बंद कर दिया। अब इसके बाद इस पे आ गए प्लास्टिक ढक्कन पे। तो वो होता है इंसान को हमेशा वो देंगे जो बेस्ट हो। वोल्टास कंपनी है। अब वोल्टास को किसमें सबसे ज्यादा जाना जाता है? एसी में। कस्टमर आग बनकर एसी ले जाता है। सैमसंग को किस चीज में जाना जाता है? टीवी में। पिक्चर क्वालिटी सैमसंग अच्छी कोई नहीं बनाता है। और वॉशिंग मशीन किसमें जाना जाता है? वर्लपूल को, क्योंकि वर्लपूल सेमी ऑटोमेटिक मशीन की मास्टर माइंड है, इसलिए वर्लपूल बेस्ट है मशीन के मामले में। फ्रिज के मामले दोनों चीजों में डीसी और सेमी में मास्टर माइंड है ये। आप मुझे रेंज बताइए, रेंज के हिसाब से मैं बता दूंगा आप किस रेंज में जाना चाहते हैं। तो कोई नहीं, तो ये 14900 की है, तो सबसे रेट में आ जाएगी ये वाली। और ये 16500 की है लगभग, ये ऐसी आ जाएगी समथिंग 12.5-13 के आसपास। और ये आ जाएगी लगभग समथिंग 13.5, यानी कि 500 फर्क है खाली, मतलब 500 रुपए ही डिस्काउंट देंगे। तो गाइस हम लोगों ने दीदी ने डिसाइड कर ली है, पहले अच्छी ये वाली, ये वाली ली इस कलर में, ये कलर ज्यादा चला रहा है, इसलिए ये वाली ली है इस कलर में।
मुझे तो अच्छी लगी, तेरे तो अच्छी लग रही है। उनने क्या कहा कि मम्मी ये सिर्फ देखने में अच्छी है, सिर्फ देखने में अच्छी, काम अच्छा नहीं है इनका। कौन सी कंपनी की? टाटा की। अरे टाटा ऐसी कहते हैं, वोल्टस। तो भाई अभी ले लेते हैं, फिर आपको मिलते हैं। चेक करा के पैक करा दे। अरे पीक तो चेक करने आ रही है ऊपर से। ये 12 और अगर कैश वो कार्ड से पेमेंट करें तो कुछ कम नहीं होगा? नहीं, कैशबैक दीजिए। कैशबैक आता 15,000। कॉफी बना दे बेटा। नरवा जी बेटे 4-5 कप कॉफी दो पहले। और आप बन रही है, एक मिनट आप बेटे 5 कप कॉफी दे। हम लोगों ने वॉशिंग मशीन ले ली है, अभी हम लोग कॉफी पी रहे हैं यहाँ पे। कॉफी पियेंगे फिर चलेंगे। गाइस ये दुकान है जहाँ से हमने ली है वॉशिंग मशीन, सिंग रेडियो सर्विस। अरे कहाँ जा रही हूँ? मुझे बताएं कहाँ जा रही हूँ? अच्छा, अरे मैं समझी मम्मी तुम कोई शॉपिंग करने आ रही हो, यहाँ तो खाने नहीं। अच्छा तो गाइस हमारी आइसक्रीम आ चुकी है, तो तुम ले लो, मैं तुम्हारे वैसे खा ले रही हूँ एक बाइट। हम लोग यहाँ पे आए कुल्लड़ भाई दाल और मोमो खाने। इन भैया के, ये भैया बहुत अच्छी बनाते हैं, इनके जरूर खाना, ठीक है? गाइस हम लोग मोमो और दाल खा के, हाँ मेरे मुंह से धुआं निकल रहा, हवा भी चल रही बहुत तेज। मम्मी पापा और जैसे वहाँ पे सामान ले रहे हैं, हम लोग घर जा रहे हैं, वो लोग बाद में आएंगे। क्या ठंड हो रही है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं घर। ये भैया, ये भाभी है और ये दीदी है। चलेंगे दीदी ऊपर देखो बना रही है। हेलो हेलो और ब्रेड पीछे, कौन पीछे ब्रेड? हाँ वो ब्रेड। हम जा रहे हैं घर, बाय बाय। अरे रुको, नहीं बहुत टाइम हो गया, अब घर भी जाना है। ये जी आप तो अपनी मम्मी आज भैया बैठे हैं दुकान पे। चल चल दीदी नमस्ते। ना 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 मुझे भूख नहीं लग रही है, धुआं निकल रहा है मेरे मुंह से। पता नहीं अभी हम लोग वीडियो बना रहे थे तो हमारा फोन रुक गया, वीडियो बनाते बनाते ही रुक गया। क्यों? वीडियो नहीं बनी। पता कैसे? अपने आप रुक गया फोन को भी ठंड लग गई इसलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, कार में बैठेंगे फिर घर जाएंगे। अब घर जाके मिलेंगे आपको, ठीक है? आए कप, हाँ बहुत अच्छे अच्छे कप है। मम्मी देखो ना यार, तुम कहाँ देख रही हो? कप देखो, अभी हम कप देखेंगे कौन से अच्छे हैं, वो कप लेंगे। तुम ना बताओ ना कौन सा चाहिए। कौन इसमें डंडी नहीं ना पकड़ने वाली? डंडी भी होनी चाहिए पकड़ने के लिए। चाय पियेंगे ऐसे? मैं तो पीती नहीं हूँ चाय। चलो अभी ले लें, हाथ नहीं लो। गाइस हम लोगों ने कप ले ली। अरे बाबू छोटा सा बाबू है, क्या नाम है इसका? काजू। काजू मक्खन चाय। अच्छा इसका नाम काजू, इसे प्यार से काजू कहते हैं। काजू कितनी है जो है? काजू चले लोली बहुत। पापा तो कार में जाके बैठ गए, ठंड हवा लग रही है यहाँ पे, हवा चली बहुत तेज। बरेली में हो रही बहुत ठंड ज़्यादा ही। हम बैठे कार में जैसे आ चलो कार में। गाइस हम लोग दीदी को वॉशिंग मशीन दिला के घर का थोड़ा सामान लेके आ गए हैं घर पे, और अब हम लोग ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय गाइस।